जाएगा, डोंट वरी हो जाएगा। अर्चना लाड से मुझे संजू कह के मत बुलाया कर। क्यों कह तू इतने संजू ऐसा करती है तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। सच? क्या महसूस होता है? आ? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बताओ ना क्या महसूस होता है? मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। हा? इतने पैसे वही बुलाती है ना मुझे। रमेश रमेश एक्सक्यूज मी क्या? देखिए ये मेरे पास एक स्वेटर है। नहीं नहीं स्वेटर नहीं चाहिए मुझे। अरे गर्मी के दिनों में कोई स्वेटर पहनता है क्या? मुंबई में बनियान पहनना मुश्किल, स्वेटर कहाँ से बेच रहे हो? जी बेचना नहीं ये कुरियर करना। तो इसे सीधा बोलो ना मेरे पास एक स्वेटर है। यूके डायलॉग की शुरुआत होगी। अच्छा भैया ठीक है ये स्वेटर मैं कुरियर कराने लाया। अच्छा ऐसे बोलो कहाँ करना है? कुल्लू मनाली में। कुल्लू मनाली? वहाँ स्वेटर नहीं मिलते क्या? कुल्लू मनाली में मेरा भाई है। अच्छा अच्छा तुम्हारा भाई है वहाँ क्यों भेजा? हवारा लफंगा है क्या? अरे हवारा लफंगा नहीं है उसे पढ़ाई के लिए वहाँ भेजा है। क्यों यहाँ के स्कूल में लिया नहीं किसी ने? अजी आपको क्या पड़ी है? मुझे कुछ नहीं। आप ये स्वेटर कुरियर कर दीजिए। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? रमेश मेरा नाम आनंद है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मेरे असिस्टेंट को बोल रहा हूँ। आनंद रमेश आया सर। स्वेटर कहाँ से उड़ाया? उड़ाया? अरे क्या बक रहे हो मेरे मम्मी ने अपने हाथों से बुना है। मुझे छोटा तो नहीं होगा ना? अरे वो मेरे भाई के लिए भेजते हैं। आप क्या मेजरमेंट ले रहे हैं? आप खाली उसे कुरियर कर दीजिए। कितने पैसे होंगे? 200 रुपए। अच्छा ठीक है ये ले लो। थैंक यू। ठीक है इसमें एड्रेस रखा है। आपको रिसिप्ट चाहिए? नहीं चलेगी। ओके ओके लेकिन जरूर भेज दोगे ना? डोंट वरी हो जाएगा। ओके थैंक यू वेरी नाइस कस्टमर। 200 रुपए तूने पहना है ना? तू ही निकल। प्लीज प्लीज ये याद कीजिए सर। सर सर अरे कोई तो मुझे बचाओ। शिलाजी अर्चना जी सीधे खड़े रहो ना। अरे अरे क्या हो रहा है? ये स्वेटर पहन रहा है कि निकाल रहा है? स्वेटर में फंस गया मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अरे नहीं रहने दो रहने दो। वैसे भी इसका मुंह कहाँ देखने लायक है। अरे नहीं नहीं माँ निकालने दो। 3 बार अर्चना से टकरा गया है। कहीं तुमसे टकरा गया तो मर जाएगा बेचारा। हाँ माँ मेरा मतलब है वो सफोकेशन से मर जाएगा ना। लगता है इसका सर बुरी तरह से फंस गया है। जा छुरी लेके आ गला काटना पड़ेगा इसका। मेरा गला मत काटो। तुम्हारा नहीं स्वेटर का गला। नहीं 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 कोई और तरीका सोचो ना। बाजू बाजू हो जाओ मैं देखती हूँ। रुक 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 मुझे देख ले। ए मिल गया। ए घूम जाओ। घूमो मेरी गो राउंड। शाबाश डील 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 ऐसा वेरी गुड। अरे वाह वाह फास्ट 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 घूमो 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 घूमो। नहीं 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 आपका बॉयफ्रेंड अभी तक आया नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर संजय भंडारी। बताया ना मैंने एक बार फिर भी संजय भंडारी क्यों कर रहे हैं आप? मिस्टर संजय भंडारी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे आप करिए और कोई क्या? अरे आप बात कर रहे हैं एक मिनट। हेलो हेलो रविया मिस्टर तमीज नाम की चीज आपको मालूम है? मैं भी वही बात आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ टेलीफोन पे बात कौन कर रहा था? आप। तो तमीज किसको होनी चाहिए आपको या मुझे? मुझे। तो जरा पीछे जाइए और फिर से बोलिए तमीज से बोलिए। शुरू कीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर संजय भंडारी। यस देखिए मैं अपना स्वेटर वापस लेना चाहता हूँ। क्यों क्यों? क्योंकि मैंने अभी भाई को फोन किया तो मुझे पता चला कि वो गर्लफ्रेंड को लेके घूमने चला गया है। तो ऐसे भाई को मैं स्वेटर नहीं भेजना चाहता। तो वो स्वेटर आप भेजना नहीं चाहते? नहीं।
लेकिन रमेश वो से थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। क्यों, किसने मेरा स्वेटर? नहीं क्या है वो रमेश स्वेटर, वो स्वेटर ये ये रमेश 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 सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, इनका स्वेटर इन्हें वापस कर दो। तेरा पड़ेगा? हाँ लाइए, लीजिए। अब एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ, अब ये डेयर नाइट कुरियर सर्विस है ना? जी जी। मुझे एक किताब कुरियर करनी है। हाँ, लेकिन नाम क्या है? तुम मेरे दिल के टुकड़े। मैं इसकी नहीं, किस टुकड़े की बात कर रहा हूँ? हाँ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मेरे नाम से आपको क्या मतलब? आप देखिए एक किताब इस पते पर कुरियर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप इतनी घबराए से क्यों है? अब कुछ नहीं, ऐसे ही। दरअसल मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ और वहाँ की मेट्रन और लेडी वॉचमैन दोनों ही बड़ी स्ट्रिक्ट है। जो लड़की ज्यादा देर तक बाहर रहती है ना, उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना पीना भी नहीं देते। कौन से हॉस्टल में रहती है आप? क्यों, क्या है? आज तक मैं किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में गया नहीं हूँ। क्यों अपनी टांगे तुड़वाने पर तुले हो? देखो, आपकी किताब लीजिए और इस पते पर भेज दीजिए। ओके, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मधु है। मधु, आपका कोई सरनेम होगा ना? सरनेम की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए पैसे। आंटी बचे चुके। सर सर नहीं है, कुछ तो कमाई हुई। रमेश, ए रमेश, कहाँ जाता है? रमेश ये चल रे, तू कहाँ गायब हो जाते? कहाँ गायब हो जाते? नहीं, एक लड़की आई थी। लड़की आई थी? तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तू लड़की के पीछे क्या लगता है? लड़की आई थी कुरियर सर्विस के लिए। अच्छा, उसके बॉयफ्रेंड को एक किताब कुरियर करना है। कहाँ से आई थी लड़की? ये सामने वाला है ना गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ से। तू पोपट? पोपट क्या नाम हुआ किसी का? पोपट क्या? आनंद नगर सोसाइटी, अधूरा पता ही ना। अब मुझे क्या मालूम, उसने दिया, मैंने लिया, पैसे भी दिए। पकड़, पैसे दे। कीप द चेंज। अरे शीला, जल्दी पराठे लेकर आ। हाँ हाँ, मम्मी ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल पराठे। हाँ, ये क्या, मेरे लिए इतना छोटा पराठा क्यों? मम्मी, डॉक्टर ने तुम्हें वजन कम करने के लिए कहा है ना? अरे वजन कम करने के लिए सुबह मैं जॉगिंग करती हूँ ना। आंटी आप प्लीज जॉगिंग मत करिए। क्यों? वो सुबह पड़ोसी डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं क्यों आजकल अपने एरिया में रोज भूचाल आता है। चुप, तुम मजाक कर रही है। माँ, इसे भी उस मनु संजय भंडारी की हवा लग गई है। किसने पुकारा हमें? लो हम आ गए। मैडम आप मेरा काम करेंगी? क्या है? एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए किताब दे गई है, लेकिन पाने वाले का पता अधूरा है। तो नहीं, तो नहीं, वो क्या आप अगर पता ढूंढ के देंगी तो मैं अच्छी तरह से भेज सकूंगा ना। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा हूँ। संजय, तुम मेरी मम्मी के पेट से खाना क्यों खा रहे हो? आप बहुत दूर बैठी है ना, मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, काम बोल और दफा हो जाए यहाँ से। मैं होता हूँ, लेकिन क्या है वो, मैं एक बात कहता हूँ कि वो अर्चना उस लड़की से उसका पता लेकर आए। कहाँ रहती है वो लड़की? और सामने के लेडीज हॉस्टल में। थैंक यू, मैं अभी जाती हूँ। बैठ नीचे, बैठ। संजय तू जाने और तेरा कुरियर सर्विस जाने, मेरे फैमिली मेंबर्स को अपने काम में मत घसीट। मुझे संजय साहब से मिलना। अरे बोला ना, हमारा लंच टाइम चल रहा है। 5 मिनट का काम है। 5 मिनट कुछ नहीं, लंच टाइम मतलब लंच टाइम। खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन लंच टाइम। अच्छा, रमेश कौन है? अंदर भेज दो उसे। अंदर भेज दो, तुम्हारी चाचा की जगह है क्या? शीला, तेरे घर को तो धर्मशाला बना दिया इन लोगों ने। आप भी तो बैठी है ना यहाँ डेरा डालकर। क्या हुआ रे, क्या हुआ? संजय जी, मुझे एक रिप्लाई पैड कुरियर भेजना है। तो इसीलिए तो दुकान खोल के बैठे ना। बोल, पक्का भेजोगे? अरे भेजूंगी, कहाँ भेजना है बोल। मुझे एक लेटर सांदे के गर्ल्स हॉस्टल में भेजना है मेरी गर्लफ्रेंड को। क्या नाम है गर्लफ्रेंड का? मधु। मधु, मधु, तुम्हारा नाम क्या है? पोपट। पोपट, पोपट। देख, मेरे पास एक पोपट के नाम का पार्सल है, ये भी एक लड़की ने भेजा और उसका नाम भी मधु ही है। मधु ने भेजा? अरे ज्यादा म्याम 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 मत कर, वो पार्सल गीला है, अगर तू इसे चिपक जाएगा ना तो पार्सल के साथ तुझे भी कुरियर करना पड़ेगा। नहीं मधु नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मधु। क्या हुआ? देखिए मधु ने क्या
क्या लिखा है? क्या लिखा है? मधु ने लिखा है, अगर तुमने किसी और लड़की से शादी की तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी। तो हिंदी पीछे जैसे नहीं करने को क्या हुआ? क्योंकि कल मेरी शादी है। हाँ, उसके माँ बाप बड़े खानदान के हैं और मेरे बाप ने मेरी शादी किसी और लड़की से तय कर दी है। मतलब एकदम फिल्मी सिचुएशन, या इसकी डोली उठेंगी वाह उसकी अर्थी। हो गया? ए, तू कौवे की तरह क्या देख रहा है? ये हॉस्टल में जा और उस लड़की को उड़ा ले जा, चल। नहीं उड़ सकता। क्यों? मधु सामने के लेडीज हॉस्टल में रहती है। हाँ। और वहाँ इतना कड़ा बंदोबस्त है कि सिर्फ स्त्रीलिंग की चीजें अंदर जा सकती है। स्त्रीलिंगी? इसका मतलब वहाँ की लड़कियां सिर्फ रोटी खाती है, पराठा नहीं। सर मैं कभी से सोच रहा हूँ। तू सोच रहा है? हाँ बोल। रिप्लाई मेरे किसे कहते? अबे वो अकल के दुश्मन, आज इतनी बरस मेरे ऑफिस में नौकरी कर रहा है, तुझे रिप्लाई पेड़ कुरी है क्या पता नहीं है? अरे रिप्लाई पेड़ यानी रिप्लाई पेड़। और वही तो पूछ रहा हूँ उसका मतलब क्या। वही पूछ रहे। हाँ। क्या है? पाने वाले को तुरंत जवाब भेजना होता है उल्टे हाथों, और इसके पैसे भेजने वाला भरता है। हाँ, तो इतना लंबा समझाने की क्या जरूरत है? सीधा बोलिए ना, रिप्लाई पेड। बोल रहा था यहाँ एकदम कड़क बंदोबस्त है, यहाँ तो कुत्ता भी नहीं नजर आता। डर गए? मैं किसी से डरता नहीं, जरा आहिस्ते। सर कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं डरता नहीं रे, मैं किसी को डरता नहीं। कोई नहीं। सर मत डरिए, इसकी हद खत्म हुई। ये दौड़ा रही है। ज्यादा शान पट्टी दिखाने का नहीं, अंदर का ही तो आया था। चल भाग यहाँ से, वरना इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, मार मार के लंबा कर दूंगी, समझा? रमेश जी तू आगे बढ़। क्यों? सुना नहीं उसने क्या कहा? क्या? मार मार के लंबा कर दूंगी। तू हमेशा बोलता है ना मेरी हाइट बहुत कम है, तू अंदर जा लंबा कर देगी। जा। ए, ज़्यादा बंकस करने का नहीं, फूटो यहाँ से फूटो, वरना तुम तीनों की टांगे तोड़ के हाथ में रख दूंगी, समझे? पता नहीं चले आते हैं कहाँ कहाँ से मजनू कहीं के। पलट। रमेश तू जा रहा है ना? हाँ जा रहा हूँ ना। कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं तुझे अंदर जाने के लिए बोल रहा हूँ गधे। सर अगर मुझे कुछ हुआ तो नुकसान आपका ही होगा, बिना तनख्वाह वाला दूसरा असिस्टेंट आपको मिलेगा नहीं। लेकिन काम करने वाला असिस्टेंट तो मिलेगा। संजय जी, संजय जी वो देखिए मधु खिड़की से झांक रही है। मधु क्या कर रही हो? मैट्रिन मैडम ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो देखा, तुमने देखा ना पोपट में ली कैसे तरस रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं उसे अंदर बुलाऊं? पागल तो नहीं हो गई तू? वो अगर अंदर आएगा तो मोटी उसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देगी। देखा नहीं निशा के बॉयफ्रेंड की क्या हालत बना दी उसने। आ,
पांडे जी, देखा आपने मधु कैसे रो रही है? उसकी सिसकियां मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। संजय जी कुछ कीजिए प्लीज। करूंगा करूंगा, मैं जरूर कुछ करूंगा। मुझे ऑफिस में पैकिंग करना है। पैकिंग करना है? देख लेता हूँ तेरा पैकिंग। डोंट वरी, मैं अंदर जाता हूँ। डोंट वरी, ऑल द बेस्ट सर। दूध हिल रहा है। दूध नहीं हिल रहा है, तुम पूरे के पूरे हिल गए हो। तुम्हें वो लेडीज हॉस्टल में जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए गया था। कस्टमर को सेटिस्फाई करने गए और लेडी वॉचमैन को सेटिस्फाई करके आ गए, है ना? मैंने कहा था ना, उस हॉस्टल की मेट्रन और लेडी वॉचमैन बहुत खतरनाक है। मैं समझ आया कि खतरनाक यानी दुर्गा माँ जैसे होते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक लोग इस दुनिया में होते हैं, मुझे क्या मालूम था। थैंक यू सर। वो कबर का, अरे उसे धमकी दिए, रात के 8:30 बजने से पहले हॉस्टल से उसकी महबूबा बाहर नहीं आई तो लोकल ट्रेन के नीचे जाकर अपनी जान दे देगा। देखो उसे कहना अगर मरना है तो लोकल ट्रेन पे भरोसा ना रखे, कहीं और जाके जान दे दे। क्यों? क्योंकि लोकल ट्रेन हमेशा लेट आती। मैडम क्या बेशरम औरत है आप? क्या, अरे एक दुखी लड़के को मदद करने के बजाय आप उसकी खिल 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 उड़ा रही है, मुंह पे भी मार रही है। आप लोग इसे जानते हैं? अरे ये किसे किसे? अरे ये तो हमारा कस्टमर है। ये अचानक एक बस के सामने कूद पड़ा। अच्छा तो फिर बच कैसे गया? बस डेपो में खड़ी थी। संभालिए इसे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ। शादी करके छुट्टी हो गई। ये नहीं हो सकता, अगर मैं मर जाता हूँ तो मधु भी जहर खाकर जान दे देगी। नहीं संजय जी, आपने मुझसे वादा किया है कि आप रिप्लाई पेड कुरियर से उस लड़की को वापस ले आएंगे। अच्छा कब? मैडम क्या इस मामले में आप हमारी मदद कर सकती हैं? ऐसे वाहियात काम मैं नहीं करती। तो किस तरह के वाहियात काम करती हैं आप? संजू मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहीं मदद करने नहीं जाएगी तू, चुपचाप खड़ी रह इधर। लेकिन दीदी दीदी गई जन्म में, एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। कितना डांट रहे हो? अरे इतना डांटेगी तो एक दिन यही भाग जाएगी। रमेश मैडम आप नहीं आ रही है, चलो अच्छा हुआ। क्या ठीक है, लेकिन अर्चना को तो साथ में आने दीजिए, क्योंकि ये दो प्रेमियों की जिंदगी का सवाल है बाबा। अरे कहीं नहीं जाएगी अर्चना, हाथ निकाल। एक तो किराया नहीं देते हो, ऊपर से मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो। चलो तू अंदर अंदर। कैसे हो? ठीक हो ना? मैं संजीवनी। ये रंग कितने सारे।